सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से वैश्विक निवेशक सम्मेलन कराया ताकि प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन तब क्या, जब एक वर्दी पहना जवान ही खुद को बेरोजगार बताए। साहब मुझे तनख्वाह नहीं देते हैं, साहब मुझे वेतन, साहब मैं आज बेरोजगार हूँ, मेरे पास साहब नौकरी नहीं है, मेरे बच्चे कहाँ से गुजर बसर करेंगे साहब। दरअसल उत्तराखंड के प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी जवानों के हंगामे के मामले ने प्रदेश भर में तूल पकड़ा हुआ है। एक तरफ जहां पीआरडी के स्थापना दिवस पर सीएम धामी जवानों के लिए घोषणाएं कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जवानों का गुस्सा विभागीय अधिकारियों और मंत्री पर फूटा। जहां सीएम धामी ने पीआरडी जवानों को विश्वास दिलाया कि वो राज्य सरकार के अभिन्न अंग हैं, तो दूसरी ओर पीआरडी जवानों ने मुख्यमंत्री के सामने ही हंगामा किया। यहां तक कि अपना मांग पत्र लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए। इस दौरान जवानों ने अपने ही विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सुबह के मुखिया हैं साहब, आपके आगे गुहार लगाएंगे साहब। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके साथ न्याय किया जाएगा, लेकिन सर हमारे साथ नहीं हो रहा है न्याय। सर आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साहब, SIT टीम गठित करवा दीजिए SP विभाग की। साहब 5-5 डायरेक्टर हैं साहब। एक मिनट मुझे बोलने दो ना यार, बोलने दो एक मिनट साहब। 5-5 डायरेक्टर हैं साहब विभाग में, 5-5 डायरेक्टर हैं साहब विभाग में। टिशू पेपर का भी पैसा लेते हैं विभाग से साहब। साहब मुझे तनख्वाह नहीं देते हैं साहब, मुझे वेतन, साहब मैं आज बेरोजगार हूँ, मेरे पास साहब नौकरी नहीं है, मेरे बच्चे कहाँ से गुजर बसर करेंगे साहब। चलो ठीक है साहब, बिल्कुल साहब अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। एक तरफ वर्दी पहना पीआरडी जवान खुद को बेरोजगार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य दो टूक जवानों को कहा कि अगर विभाग के एक्ट के स्वरूप को देखा जाए तो जहां खड़े हो तो उस हिसाब से भी नहीं बनता। हम अपने एक्ट को पढ़ लेंगे और उस एक्ट में यदि विभाग ने कोई संशोधन ना करा हो तो उस एक्ट के स्वरूप को देखेंगे तो जहां खड़े हो उस हिसाब से भी नहीं बनता। उधर विभाग पर आरोप लगाते हुए पीआरडी हित संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह रावत ने कहा कि वो राज्य आंदोलनकारी हैं। उन्होंने पीआरडी जवानों के हित के लिए दो दो मुकदमे झेले हैं। सीएम धामी होमगार्ड के स्थापना दिवस पर तमाम घोषणाएं करते हैं, लेकिन पीआरडी जवानों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जवानों और उनके परिवारों के साथ छलावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी उनसे घर में झूठे बर्तन मंजवाते हैं, सब्जी लेने और कुत्तों को टहलाने के लिए उनकी ड्यूटी लगाते हैं, जबकि उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारी और मंत्रियों से गुहार लगाई है, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। वीर सिंह रावत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीआरडी हित संगठन और राज्य आंदोलनकारी, जिसने कि इस उत्तराखंड आंदोलन में जो है उत्तराखंड राज्य के लिए अपने जान तक न्योछावर करे 52 मुकदमे मेरे पास आंदोलन में, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हो, मेरे को ये पीआरडी से निकाल सकते, मेरे घर से नहीं निकाल सकते, ये हाथ पैर नहीं तोड़ सकते, मेरे हाथ पैर नहीं तोड़ सकते। लेकिन पीआरडी के साथ आज बहुत बड़ा छलावा हुआ है, पीआरडी के जवानों के साथ और पीआरडी जवानों के परिवारों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। क्योंकि हमारे देखिए, इन्होंने जब हमारी पहले वेतन वृद्धि होती थी तो ये होमगार्ड का साथ साथ बढ़ाते थे। जब 2005 में शासन ने जियो हुआ, इन्होंने क्या किया कि उसमें लिखा कि होमगार्ड की भांति पीआरडी जवानों का भी बढ़ाया जाएगा। आज होमगार्ड 28,000 रुपये है, पीआरडी जवान कहाँ 28,000 रुपये, 28,000 17,000 में फ़र्क है कि नहीं है, कितने का 1,100 रुपये का फ़र्क पड़ रहा। आप 1,100 हमारे क्यों नहीं बढ़ाते, क्या हम काम नहीं कर रहे? ये अगर इनका काम हो एक 12-12 24-24 घंटे पीआरडी जवानों को अपने घरों में बर्तन भी मनवाते हैं, अपने कुत्ते घुमवाते हैं, अपनी गाड़ियां चलवाते हैं, अपने घर का पर्सनल काम करवाते हैं। इसके अलावा विभाग पर मृत आश्रितों को नौकरी देने के बजाय पैसे लेकर फर्जी लोगों को तैनाती देने का भी आरोप लगा है। कहीं जो है नौकरी नहीं मिली है, फर्जी को जो है ना, फर्जी को नौकरी दे रहे हैं, अब तक भी फर्जी लगे हुए हैं, और उसके बाद उन्हें फर्जी को जो है पैसे ले लेकर ड्यूटी दी जा रही है, मूर्ति का आश्रितों को कोई ड्यूटी नहीं दी जा रही है। अब अगला बंदा जो है, कई लोगों को मिली भी है नौकरी, मृतक आश्रित को कई जेंस खत्म हुए तो उनकी महिलाओं को नौकरी दी गई है, लेकिन ऐसे कुछ होते हैं दुर्भाग्य जिनका कि वो धक्के खाते हैं और ये नौकरी नहीं देते। वही पीआरडी के जवानों ने मांग की है कि युवा कल्याण से पीआरडी विभाग को अलग कर दिया जाए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। जिले से लेके डायरेक्टरेट से लेके ब्लॉक तक ऐसे अधिकारी हैं कि उन्होंने जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है, हमारी कोई सुनते नहीं है। अगर बोलते हैं नहीं हमें, तुम युवा कल्याण वाले नहीं हो, तुम पीआरडी वाले हो, युवा कल्याण हमें, मैं चाहता हूँ सबसे बड़ी मांग मेरी है युवा कल्याण से हमारा विभाग हटा दिया जाए, बस पीआरडी विभाग अलग कर दिया जाए, मेरी सबसे पहले मांग यही है, पीआरडी विभाग को अलग कर दिया जाए, युवा कल्याण विभाग को हटा दिया जाए, तो ऑटोमेटिक हमारी व्यवस्था सही हो जाएगी। आपको बता दें कि पीआरडी के स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने जवानों के लिए कई घोषणाएं की,
लेकिन आक्रोशित पीआरडी दरोगा वीर सिंह रावत ने सभी घोषणाओं को नगण्य करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो सभी जवान धरना प्रदर्शन के साथ ही आमरण अनशन करेंगे। इसके अलावा वीर सिंह रावत ने सीएम धामी से उन्हें और उनके परिवार को इच्छा मृत्यु दिए जाने की भी मांग की। इसके साथ ही पीआरडी जवानों ने मामले में एसआईटी जांच की मांग की है। वही काम होमगार्ड कर रहा है, वही काम पुलिस कर रही, वही काम हम कर रहे हैं। किस आपदा में पीआरडी जवान ने, कोरोना में पीआरडी जवान ने 24 घंटे काम किया। कोरोना के कारण कई पीआरडी जवान मरे हैं। क्या दिया आपने हमें? 6,000 रुपये की घोषणा सीएम साहब ने, हम 6,000 रुपये कोरोना में दिए। आप बोले कितने जवानों को मिला है? सिर्फ इनके चेहरों को मिला है। हम आए थे मंडी में, मंडी समिति देहरादून में ड्यूटी कर, हमने 6,000 का कागज मंडी समिति में दे रखा, हमें आज तक नहीं मिला है। मेरे 25 जवान वहाँ भूखे मर रहे हैं। और जवानों की बात है, पीआरडी का जवान क्या इस उत्तराखंड का नागरिक नहीं है? हमारे परिवारजन इस उत्तराखंड के नागरिक नहीं? क्या हम वोट नहीं देते इन सरकारों को? हम नहीं देते वोट का, या हमें अगर आपने कुछ नहीं देना, हमें और हमारे परिवारजनों को जो है इच्छा मृत्यु दे दी। घोषणा नहीं करी, हमारे लिए नगण्य है ये घोषणा, बिल्कुल नगण्य। जब हमारा मानदेय नहीं बढ़ा, 11,000 रुपये पहले हमारे 5 दिन के अंदर 11,000 रुपये पड़ा है, जो होमगार्ड की भांति मानदेय है, और उसके बाद जो ये डी ए जो सुख सुविधा होमगार्ड को मिलता है वो हमें भी दी जाए, और अन्यथा हम पाँच दिन के अंदर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं, 5 दिन के अंदर जो हम इस निर्देशालय में धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन पर बैठेंगे। उधर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के कहने पर पूरे विभाग की धारणा नहीं बनाई जा सकती है। साथ ही कहा कि पीआरडी जवानों के अनुरूप ही काम किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति से सब चीज़ों की धारणा बनाना अपने आप में गलत है। एक विषय जो वो 570 रुपये लेकर कुछ कह रहे थे, उस विषय का क्योंकि मुझसे पहले भी कई लोग मिले हैं, मैं समझती हूँ कि पीआरडी जवानों को लेकर पीआरडी जवानों के संगठन से वार्ता करने वाली पहली मंत्री मैं, उनकी भावनाओं के अनुसार मैं सब चीज़ों में काम किया गया है। पहले उनके कल्याण कोष के लिए या उनके हित में निर्णय लेने के लिए जो उनकी ओर से अंशदान होता था मात्र 10 रुपये का होता, आज उस अंशदान को उन्हीं की अपेक्षा के अनुसार में इतनी धनराशि की कटौती हो, इस प्रकार की भावनाओं को उन्हीं के द्वारा कहा गया, इसी के अनुसार किया गया। और इसका आगामी लाभ यह होगा कि जो धनराशि आज एकत्रित हुई है उस कल्याण कोर्ट से, जब कभी भी ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं, हमारे पीआरडी जवान किसी रोग से पीड़ित होते हैं, पीआरडी जवान किसी घटना में कुछ घटित हो जाता है, तो उसी कोष से उनको फायदा होने जा रहा है। सीएम के सामने लंबित मांगों को लेकर पीआरडी जवानों के हंगामे के बाद अब शासन इस पर गंभीर है। मामले में विशेष सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा ने जांच बैठा दी है, साथ ही 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। उन्हें कहा कि जांच में अनुशासनहीनता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर जवानों ने शासन और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि उनकी मांगों को पूरा न किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन पीआरडी जवानों की मांगों को पूरा करते हैं या फिर पीआरडी जवान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।